जी, मैं ममता सिंह, माय यूट्यूब चैनल ममता एंड संतोष ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप आज है दूसरा भाग, कल मतलब मैं शाम को फिर स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह मैं आप लोग को मैं बता दूँ, सुबह देवर देवरानी जी का मतलब कथा था सत्यनारायण भगवान का छोटी चाची जी के घर, तो वहाँ पर मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा शाम को भी स्टार्ट करती हूँ। तो शाम को है देवर देवरानी जी का एनिवर्सरी, शादी का सालगिरह, तो वहाँ पर मैं चल रही हूँ। तो देख सकते हैं मैं साड़ी भी चेंज कर ली हूँ फ्रेंड्स। तो शाम का समय हो रहा है फ्रेंड्स, तो घड़ी बज रहा है 5, तो मैंने सोचा कि शाम का भी मैं दूसरे भाग में दिखाती हूँ, मतलब सेकेंड भाग में दिखाती हूँ। फर्स्ट आप लोग को मैं आज डाल लूँगी, और जो मेरा सेकेंड वाला भाग है मतलब देवर जी का शादी का साल गिरा, वो आप लोग को नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट दिन मिलेगा। तो मैंने सोचा आप लोग को मैं दो पार्ट में डालूँ, आप लोग को लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए मैं दो भाग में डाल रही हूँ। तो फ्रेंड देख, आप लोग को मैं बता दूँ कि मेरी बुआ जी जो कि और मेरी ननद जी काफ़ी सपोर्ट करती हैं, और कुछ बहुत ही अच्छा लगा, मतलब वो कुछ भी नहीं कहते कहते तो इसी तरह आगे बढ़ो, काफ़ी मस्ती करेंगे। तो आप लोग इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, बाल थोड़ा जुड़ा उड़ा बना लेती हूँ, कान में रिंग पहन लेती हूँ, उसके बाद आप लोग के लेके चलूँगी, क्योंकि रात हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं रात हो जाएगा तो सीधे चाची जी के घर मिलूंगी, क्योंकि रास्ते में आप लोग को मैं दिखाऊँगी तब भी पूरा ब्लैक दिखाई देगा, तो आप लोग को मैं सीधे चाची जी के घर मिलूंगी। तो चलिए मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोग को भी लेके चलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो कि मैंने सोचा है सिंपल साड़ी पहन लेती हूँ, काफ़ी ठीक ठाक लगता है, और तामझाम मतलब पहनूंगी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा ये ठीक है, सिंपल है, अच्छा है। तो आप लोग बताएगा मेरा आप लोग की साड़ी कैसा लगा। मैं कई बार आप लोग को पहनी हूँ, इस पर ब्लॉग भी बनाई हूँ, आप लोग ज़्यादा प्यार दिए, और जो भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं मैं लाइट भी बार दी हूँ, अंधेरा भी हो रहा है, शाम भी हो रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं, और सूर्य भगवान भी अस्त हो गए, तो मैं जय कर लेती हूँ। फ्रेंड देखिए, अभी मैं बालकनी में ही हूँ, अभी थोड़ा बाल उछाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह गए थे बाल मैं धुली थी, इतना ज़्यादा मतलब फंस गया है, देख सकते हैं मेरा बाल कितना ज़्यादा फंस गया है। तो मैंने सोचा शाम को जूड़ा बना लेती हूँ, और फ्रेंड इसी तरह आप लोग मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं थोड़ा बाल को जूड़ा बना लेती हूँ, और थोड़ा सा कान में रिंग पहन लेती हूँ, गले में थोड़ा एक नेकलेस डाल लेती हूँ, और उसके बाद आप लोग को मैं लेके चलेंगी वहाँ दीदी जी के घर, मतलब दीदी जी जहाँ हैं, बुआ जी हैं, और देवरानी के पास। तो आप लोग को सारा चीज़ मैं दिखाऊँगी। आज था सत्यनारायण भगवान का कथा में जो कि सुबह था, और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कि दो पार्ट में डालती हूँ, आप लोग को देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर एक साथ डालती फ्रेंड्स तो मतलब थोड़ा ही थोड़ा डालती तो आप लोग समझ में नहीं पाते और अच्छे से देख नहीं पाते, तो इसीलिए मैं दो पार्ट मतलब एक सुबह डाली हूँ उसी, और जो कि दूसरा भाग है उसी मतलब उसी दिन मैं शाम को ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो ये आप लोग को नेक्स्ट दिन मतलब नेक्स्ट दिन मिलेगा देखने। तो फ्रेंड चलिए, और अभी अब चल जा रहा है गेट करने, तो आप लोग को सारा चीज़ मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पर सभी लोग रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग रेडी हो चुके हैं, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ मेरे देवर जी और देवरानी का शादी का सालगिरह, आप लोगों को सारा चीज़ दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर देवर देवरानी जी का मतलब कि केक कट हो रहा है, और मतलब मैं थोड़ा सा आप लोग को मैं बोली तो इसलिए थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ, और भगा के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बोले कि मेरा मतलब शूट मत करिएगा, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बोली थी इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। और इंसान अगर एक बार बोल देता है कि नहीं मेरा मत करिएगा, तो मैं इसलिए मैं कोशिश नहीं करती हूँ कि नहीं आप आइए मेरे वीडियो में, आप लोग मतलब कुछ करिए, तो इसलिए मैं फोर्स नहीं की फ्रेंड। तो मैं थोड़ा सा आप लोग से कही थी तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। देख सकते हैं इनका पूरा परिवार है, और उनके माता पिताजी हैं देवर जी के, और उनके मामा जी हैं, तो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ननद जी हैं जो कि गिफ्ट दे रही हैं, और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि मेरी दीदी जी काफ़ी बोली जाइए आप भी मतलब गिफ्ट दे दीजिए, तो मैं कोई गिफ्ट नहीं लेके गई थी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा मतलब मैं पैसा लेके गई थी और लिफाफा में करके दोनों बच्चों के साथ मैं थोड़ा यहाँ दी उनको देवर देवरानी जी को। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ देवर देवरानी जी का थोड़ा फोटो वोटो भी लगा था, और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं छत पर खा लेते हैं। तो देख सकते हैं मैं एक पूरी थोड़ा चावल नहीं ली हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर तिरकी का सब्जी रहता और सलाद एक पापड़, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि टाइम भी चेंज हो गया था, इसलिए मुझको भूख नहीं, काफ़ी लोग खा रहे हैं। और यहाँ फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, सुबह के घड़ी बज रहे 6:00 के, मैं उड़ चुकी हूँ फ्रेंड्स, मैं आई थी रात को मतलब 1 बजे, इसलिए मैं ज़्यादा सो गई थी, मैं 6 बजे उठी हूँ, यहाँ पर ज़्यादा ठंड लग रही थी फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं साल स्वेटर दोनों ओढ़ रही हूँ क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी, और काफ़ी मेरा जो कि नींद भी नहीं पूरा था, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो मैं यहाँ उठी हूँ। मतलब उठने के बाद सबके लिए मैं चाय बनाती हूँ पहले,
तो आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए और थोड़ा लेट हो गया, इसलिए बच्चे भी स्कूल नहीं गए और काफ़ी देर तक बच्चे भी सोए थे। तो यहाँ पर मैं चाय रख दी हूँ पकने के लिए, यहाँ जो कि भाप से भी देख सकते हैं, थोड़ा मेरा मोबाइल पर गिरी मतलब काला आ जा रहा है उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो कि बच्चे उठ गए हैं ब्रश व्रश करने के बाद, ठंड लग रही तो यहाँ पर आग से भी सेक रहे हैं आग जला के, और यहाँ पर मौसम भी देख सकते हैं ठंड भी पड़ रही फ्रेंड। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं ममता सिंह, माय यूट्यूब चैनल ममता है, संतोष ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी घड़ी बज रहे हैं 12 और आज मैं 12 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, कल शाम को मैं मतलब दूसरा वाला भाग स्टार्ट की हूँ, तो आज ये मेरा सुबह का है, तो मैं दोनों मिक्स करके डालूँगी। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं कल बताई भी थी अपने ब्लॉग में कि देवर देवरानी जी का शादी की सालगिरह है, तो कल मतलब कल थोड़ा स्टार्ट की हूँ मैं ब्लॉग, तो उसमें आप लोग को दिखाऊँगी। और आज सुबह मैंने सोचा आज सुबह का भी थोड़ा बना देती हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं फ्रेंड, क्योंकि वो लोग कैमरे के आगे आना नहीं चाहते थे और मैं किसी को फोर्स भी नहीं करती कि मेरे कैमरे के आगे आइए या हिचवाइए, तो मतलब मना ही कर दिए कि नहीं हम मेरा फ़ोटो मत लीजिएगा। तो मैंने हमने कहा ठीक है नहीं लूँगी, तो इसीलिए फ्रेंड मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ। और कितने लोग होते हैं मतलब कि ज़्यादा मतलब कैमरे के आगे नहीं, तो फ्रेंड इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं ली हूँ, थोड़ा सा आप लोग को मैं दिखा दूँगी। और मेरा बाबू आज स्कूल नहीं गया है, आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज मेरा बाबू स्कूल नहीं गया है, क्योंकि हम लोग आए थे कल 12 बजे रात को और ज़्यादा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, मतलब वो ज़्यादा उतना अच्छा भी मतलब मस्ती वस्ती कुछ भी नहीं था, और बस तो वही केक मतलब कटा, उसके बाद भोजन हुआ, उसके बाद हम लोग बुआ जी थी। फ्रेंड्स मेरा बाबू देख सकते हैं दोनों बाबू घर पर हैं, क्योंकि हम लोग 1 बजे मतलब सोए और सुबह 7 बजे फिर उठ गए, और बाबू लोग का भी स्कूल था 7 बजे तो नहीं जा पाए, तो इसीलिए और रात को हम लोग जागे थे। अब आप लोग को मैं बता दूँ फ्रेंड्स, कोई बाजा वाजा नहीं लगा था और हम लोग डांस भी नहीं किए, मतलब एक नॉर्मल जैसे मतलब कि हैं कि बस केक कटा उसके बाद खाना खाइए अपने घर जाइए, बस ऐसा था। हमको ये सब नहीं मालूम था कि फ्रेंड्स की बाजा जा नहीं लगेगा, हमने सोचा कि शादी की सालगिरह है या वैसे भी फ्रेंड्स बर्थडे पर लगता है, शादी की सालगिरह पर लगता है या कोई भी फंक्शन छोटा मोटा हो उस पर तो बाजा वाजा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था फ्रेंड। मतलब ये हुआ कि बस केक काटिए और खाना खाइए अपने घर जाइए, तो मैं ज़्यादा उन लोग को नहीं हिचिए फ्रेंड, जो मना कर देते हैं उसको ज़्यादा मैं फोर्स भी नहीं करती कि नहीं हम आइए मेरे कैमरे के आगे या हिचिए, और उतना ज़्यादा हमको मतलब कोई मना कर देता है फिर तो हमको मतलब ये होता है ना कि अरे छोड़िए जाने दीजिए, मतलब इतने भी मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ कि नहीं आइए मेरे मतलब वीडियो में आप थोड़ा सा दिखाइए, इसीलिए फ्रेंड्स मैं ज़्यादा उन लोग का नहीं ली हूँ, मैं अपना थोड़ा सा ही ची हूँ। और उसके बाद मतलब बुआ हुआ जी थी उन लोग से थोड़ा बात करते हुए और मैं ज़्यादा नहीं ले पाई उसके लिए सॉरी। तो मैं जितना ली हूँ आप लोग को मैं कल वाला शाम थोड़ा आगे डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा। और फ्रेंड्स मतलब हम लोग खाना खाए, उसके बाद बुआ जी से बात किए और उसके बाद बज गया 12, तो 12 12:30 बज गया था फ्रेंड्स आते हुए घर में। तो रात को मैं आप लोग थोड़ा सा ब्लॉग नहीं बना पाई घर आई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा नींद लग रहा था और इतना ज़्यादा मतलब सर मेरा दुख रहा था कि मैं सुबह कुछ भी नहीं खा के गई थी सतना भगवान की कथा में, और मेरा सारा दिन उसी तरह मतलब बिना कुछ खाए पिए बीत गया और इतना ज़्यादा थकान हो रहा था, तो इसीलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। मैं जब घर आई तो आप लोग को नहीं ब्लॉग बना पाई तो उसके लिए सॉरी। तो अब चलिए फ्रेंड्स आप लोग को मैं आगे दिखाती हूँ मतलब किस तरह से मतलब आप लोग को मैं मतलब थोड़ा सा ही मतलब बनाई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ किस तरह बनाई है। और फ्रेंड्स मेरा घर का था इसलिए मैं गई, तो मेरा किसी मतलब इच्छा नहीं करता। तो फ्रेंड देखिए ये छत पर है, अभी हमारे साथ मस्ती कर रहा है और पीछे देखो अरे गिर जाएंगे बेटा, चलो नीचे अब हम भी चलने थे फ्रेंड्स सोने, क्योंकि 12-1 बज गया था सोने में। और उसके बाद सुबह ही उठ गई थी, बुआ जी आई थी, चाय बनाना था, नाश्ता बनाना था, मतलब बुआ जी कुछ खाई नहीं लेकिन तब भी हस्बैंड जी पापा जी के लिए चाय बनाना था, इसीलिए फ्रेंड्स मैं 6 बजे उठ गई और मेरा नींद भी मतलब नहीं पूरा है और आँख मेरा जो कि काफ़ी भारी भारी लग रहा है, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं चल रही हूँ अभी सो लेंगी, उसके बाद फिर आप लोग से मैं मतलब बातें करूँगी। और फ्रेंड्स जो भी मतलब जो भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं देते हैं, इसलिए कि मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ कि मतलब इतना आप लोग के सपोर्ट के बिना मतलब मैं इतने मतलब ज़्यादा मतलब बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, जो भी कुछ हूँ आप लोग को मतलब जो भी प्यार दे रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स नीचे, क्योंकि धूप भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और ठंड का भी मौसम आ गया है और ठंड भी हमारे तरफ पड़ रही, देख सकते हैं बादल किस तरह है मतलब घिरे हुए हैं। नहीं आज नहीं दिखाएंगे किसी और नेक्स्ट ये दिखा दो ये नहीं
वो क्या दिखाए? हरा क्यों ये नहीं दिखाओगे मेरा घर? हरा भरा दिखाए, दिखा दो, गिर जाएंगे। जाओ लेके आओ चटाई, सोए हम तो चले सकते हैं। फिर नीचे आ गए, देख सकते हैं नीचे आ रहे हैं। नहीं टूटा फूटा नहीं, जो घर है अच्छा है। तब मेरा अपना घर अच्छा, मेरा अच्छा घर है ना, अपना घर सबको अच्छा मेरा लगता अच्छा है ना। हाँ अपना घर सबको अच्छा लगता है, किसी की देखी देखा नहीं करते हैं बाबू। हमारा अच्छा घर। हाँ जाओ चटाई लेके आओ ना, मार देंगे। बाबू भी बैठा है किस तरह से, अभी नहाया है, मतलब नहाने के लिए बोले हैं तो बोला कि नहीं नहाएंगे, और ठंड लग रहा है तो अभी मतलब कि मोबाइल के पास मोबाइल लेना चाह रहा है ना जी, मोबाइल लेना चाह रहे हो? तो देखिए मोबाइल लेने के लिए किस तरह बैठा है छत पर, देख सकते हैं कि कार्टून देखेगा। तो फिर आप लोग मैं थोड़ा आगे दिखाती हूँ, आगे डाल दूँगी ब्लॉग, आप लोग मतलब देखिएगा। और जो भी मैं ब्लॉग डाल रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। अब कोई आए या ना आए कैमरे के आगे, मैं तो आऊँगी, आप लोग को मैं सारा चीज़ अपना बताऊँगी, मैं क्या करती हूँ, किस तरह बनाती हूँ, और मतलब क्या करती हूँ घर पर, बच्चों को सामाना हर चीज़ सामान आप लोग को सारी चीज़ मिलेगा फ्रेंड्स। तो कोई आया ना आए हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं तो अपनी जो लाइफ है आप लोग से मैं शेयर करूंगी। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए फिर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।